सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत भाषा के वर्णों के बारे में संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, उनको किन किन भागों में बांटा गया है और वो भाग भी कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो संस्कृत वर्ण परिचय में सबसे पहले देखते हैं कि संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला में 48 वर्ण, कुल वर्णों की संख्या है 48। कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 48। और यहाँ पर देखते हैं अपन कि वर्णों को कितने प्रकारों में बांटा गया है। वर्णों को दो प्रकार में बांटा गया है। तीन प्रकार में बांटा गया है। इसमें पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है अयोगवाह। अयोगवाह स्वरों को भी दो प्रकारों में बांटा गया है, जो क्रमशः है त्रिशु, त्रिशु स्वर और दीर्घ स्वर। देखो व्यंजन को भी दो प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें पहला व्यंजन है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन और दूसरा प्रकार है अवर्गीय व्यंजन। व्यंजन को भी दो भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन। अवर्गीय व्यंजन में दो प्रकार के व्यंजन आते हैं, पहला है अंतस्थ और दूसरा है उष्म व्यंजन। अवर्गीय व्यंजन को भी दो प्रकारों में बांटा गया है, एक तो अंतस्थ व्यंजन और दूसरा उष्म व्यंजन। अयोग वाहक व्यंजन दो होते हैं, एक तो होता है विसर्ग और एक अनुस्वार। इसको ऐसे कैसे ही नोट कर लो।